अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अपवर्ड ट्रेनिंग कोर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जॉब्स के ऊपर किस तरह से अप्लाई किया जाता है अपवर्ड के ऊपर। सबसे पहले आपने अपवर्ड पे लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर जॉब्स फीड में आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट जॉब्स आपके पास शो हो रही हैं। सो जो जॉब भी आपको मतलब अच्छी लगे, लेट्स सपोज मुझे ये वाली जॉब अच्छी लग रही है, इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, तो आपने इसको ओपन कर लेना है सबसे पहले। और ओपन करने के बाद आप इसकी डिटेल जो है वो जान सकते हैं। याद रखें, यहाँ पर आपके पास कंप्लीट डिटेल नहीं आ रही होती, यानी यहाँ पर फिक्स प्राइस जॉब का पता चल रहा है, कंट्री का पता चल रहा है, रेटिंग का पता चल रहा है, पेमेंट मेथड वेरीफाइड है या नहीं है ये पता चल रहा है, और कितने डॉलर उसने स्पेंड किए हैं ये सारा पता चल रहा है। मगर डिटेल पेज के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पता चलेगी। तो आपने हमेशा जब भी जॉब के ऊपर अप्लाई करना है, सबसे पहले आपने उसको सेपरेट टैब के अंदर ओपन कर लेना है और उसकी डिस्क्रिप्शन मुकम्मल पढ़नी है। सो ये आपके पास डिस्क्रिप्शन आ रही है, आई एम लुकिंग फॉर फुल स्टैक PHP एंड नेटिव एप्स एक्सपीरियंस डेवलपर विद 2 to 4 years एक्सपीरियंस। ओके, सो यहाँ पर इसने कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, बजट इसका $700 है, ये डॉक्यूमेंट दिया हुआ है जिसके अंदर रिक्वायरमेंट्स वगैरह लिखी होंगी, आपने ओपन करके इसको ज़रूर पढ़ लेना है। मतलब जो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ हो उसको आपने गौर से पढ़ना है, और जब आप उसको पढ़ लेंगे और अगर आपके पास जो कंट्री वाइड आप समझते हैं कि आप मतलब इस कंट्री के साथ वर्क करना चाहते हैं और आपको जो बजट है वो बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो आप फिर इस जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप नीचे देखें तो आपके पास क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, यू विल बी आस्क्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हेन सबमिटिंग ए प्रपोजल। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर सामने आ रहे हैं, इन क्वेश्चन के ऊपर बेसिकली आपको डिटेल में आंसर भी लिखना पड़ेगा, और ये आपके पास ये जो एरिया है ये आपके पास उसकी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है जॉब की। अक्सर फ्रीलांसर्स अपवर्क के ऊपर क्या करते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़े बगैर जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर देते हैं और एक रेडीमेड टेम्पलेट को यूज़ करके उस जॉब के ऊपर कवर लेटर सेंड कर देते हैं, जिससे क्लाइंट जो है वो बेसिकली बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हो सकता। बेसिकली क्लाइंट इसको लाइक भी नहीं करता, और क्लाइंट चाहता है कि आप लोग पहले जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ें और फिर जॉब्स के ऊपर अप्लाई करें। इस चीज़ को हैंडल करने के लिए कई बार क्लाइंट्स ये ट्रिक अप्लाई करते हैं कि एक हिडन वर्ड्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में कहीं मेंशन कर देते हैं और ये कह देते हैं कि जब आप जॉब के ऊपर अप्लाई करें तो कवर लेटर में फर्स्ट जो कीवर्ड है वो ये वाला होना चाहिए। तो उससे ये होता है कि क्लाइंट को पता चल जाता है कि एक बंदा जो अप्लाई कर रहा है जॉब के ऊपर उसने वाकई में जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ा है या नहीं पढ़ा। तो इस वजह से भी जॉब डिस्क्रिप्शन को डिटेल में पढ़ना, थॉरली उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे तो फिर आप बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि वाकई में आप कर सकते हैं या नहीं। नीचे अगर थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल करें तो यहाँ पर एक्टिविटी ऑन दिस जॉब का एरिया है जिसके अंदर प्रपोजल्स की इंफॉर्मेशन आ रही है कि कितनी प्रपोजल्स यहाँ पर रिसीव हो चुकी हैं, कितने लोग इंटरव्यू में हैं, इनवाइट कितनी सेंड हुई हैं, अनआंसर्ड इनवाइट्स कितनी हैं। तो यहाँ पर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। इस वक्त जॉब के ऊपर लेस देन 5 प्रपोजल्स सेंड हुई हैं, और नीचे अगर आ जाए तो क्लाइंट की रिसेंट हिस्ट्री आ रही है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और मैं इस पर प्रीवियसली वीडियोज़ भी बना चुका हूँ। आपने कोशिश करनी है कि आपको क्लाइंट का नेम मिल जाए, अगर नहीं मिलता तो दैट्स ओके। क्लाइंट हिस्ट्री चेक करते वक्त मैं एक और चीज़ चेक करता हूँ कि क्लाइंट ने दूसरे फ्रीलांसर्स को किस तरह से फीडबैक दिया हुआ है। अगर एक क्लाइंट है जिसने मोस्टली फ्रीलांसर्स को बैड फीडबैक दिया हुआ है और वो 1-star रेटिंग दे रहा है, बैड वर्ड्स लिख रहा है, तो मैं फिर उस जॉब के ऊपर अप्लाई नहीं करता। रीज़न बीइंग के उस क्लाइंट का मुझे पता चल जाता है कि ऑलमोस्ट हर क्लाइंट हर फ्रीलांसर के साथ इसने बैड रिव्यू दिया हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा मैं सिक्योर फील नहीं करता कि मैं अगर इस क्लाइंट के साथ काम करूँगा तो हो सकता है ये मुझे भी बैड रिव्यू दे दे। तो कोशिश करें जिस क्लाइंट ने मोस्टली ज़्यादा फ्रीलांसर्स को बैड फीडबैक दिया हुआ है तो उसके साथ काम ना करें, उसको स्किप कर दें, किसी और जॉब के ऊपर अप्लाई कर लें। और आपने अगर इस जॉब के ऊपर अप्लाई करना है तो यहाँ पर सबमिट है जो प्रपोजल के ऊपर क्लिक करें, और फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये एरिया ओपन हो जाएगा जिसमें आप प्रपोजल वगैरह सेंड कर सकते हैं इस क्लाइंट को। सो यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। नंबर 1 इज़ दी फ्रीलांसर के तौर पर मैंने अगर प्रपोजल सेंड करनी है, एज एजेंसी मेंबर सेंड करनी है, तो ये तीसरी भी एजेंसी का नाम आ रहा है, तो जिसके तौर पर भी आप सेंड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इस जॉब के लिए मैं एज ए फ्रीलांसर अप्लाई करना चाहता हूँ और इस प्रपोजल की रिक्वायरमेंट जो है वो 6 कनेक्ट्स इसको
यूज़ होंगी इसके अंदर। तो 6 कनेक्ट्स भी, ये भी आपने याद रखना है कि कनेक्ट्स जो हैं वो किस तरह से यूज़ हो रही हैं। और फिर उसके बाद लुकिंग फॉर स्टैक, PHP डेवलपर, ये सारी इसकी डिटेल्स दोबारा से शो आपको करवाई जा रही हैं। और इसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं, माइलस्टोन के तौर पर आपने अप्लाई करना है या प्रोजेक्ट के तौर पर। तो अगर तो प्रोजेक्ट जो है वो आवरली होगा तो आपके पास ये दो ऑप्शन नहीं आएंगे, ये सिर्फ फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट के अंदर ये आपसे पूछा जाता है कि आपने माइलस्टोन के तौर पर अप्लाई करना है या बाय प्रोजेक्ट अप्लाई करना है। तो बाय माइलस्टोन में ये होगा कि आप बेसिकली माइलस्टोन्स क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। सो माइलस्टोन 1, माइलस्टोन 2, माइलस्टोन 3, तो इस तरह से आप जो भी माइलस्टोन्स क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर आपके पास आते रहेंगे। ये देखिए माइलस्टोन्स क्रिएट होते जा रहे हैं। मगर अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे एज ए प्रोजेक्ट तो फिर आपके पास टोटल अमाउंट जो है वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। माइलस्टोन्स के अंदर ये होता है कि आप माइलस्टोन 1 उसकी ड्यू डेट दे देते हैं और उसकी अमाउंट दे देते हैं, फिर उसके बाद माइलस्टोन 2, माइलस्टोन 2 की ड्यू डेट और फिर उसकी अमाउंट, यानी टोटल आपके पास $700 के अंदर आप उसको डिवाइड कर देते हैं। तो $700 यहाँ पर आपकी बिड अमाउंट होगी और अपर सर्विस फी $120 होगी, यानी 20% जो है वो अपर डिटेक्ट करेगा और फॉर फर्स्ट 500 और उसके बाद $10 जो है वो आपके पास आफ्टर $500 हो जाएगा। तो ये $120 बनते हैं, तो $120 अपर को फ़ी पे हो जाएगी और $580 आपको मिल जाएंगे। अगर आप मज़ीद अपर की फ़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये इसका बेसिकली मेथड भी यहाँ पर बताया हुआ है कि फॉर फर्स्ट $500 इस क्लाइंट के साथ आपकी जो फ़ी डिटेक्ट होगी वो 20% होगी, यानी कि अगर आप $500 का काम करेंगे तो $400 आपको मिलेंगे, $100 अपर को मिलेंगे। और 500 से लेके $10,000 तक आपकी जो अमाउंट होगी वो उसमें से 10% डिटेक्ट होंगे। और 10% अगर आप मतलब $200 अर्न करते हैं तो $180 आपको मिलेंगे। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन हुई है। और अगर आप $10,000 से अबव काम करते हैं इस जॉब के ऊपर तो आपके पास ये 5% डिटेक्ट होंगे और अमाउंट आपको मिल जाएगी। तो ये आपके पास ये फ़ी जो है वो इस तरह से डिटेक्ट होती है अपर के ऊपर, ये भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। इसके अलावा यहाँ पर आप अपना टाइम बताएंगे, कितने टाइम में आप कंप्लीट करना चाहेंगे इस जॉब को। नीचे आपके पास यहाँ पर कवर लेटर है, तो कवर लेटर किस तरह से लिखना है इसके ऊपर डिटेल में वीडियो में आपको फ्यूचर में बताऊँगा डिटेल में, जिसमें आपको प्रपोजल राइटिंग का मेथड, कवर लेटर राइटिंग का मेथड बताऊंगा। ये एक पूरी टेक्निक है जिसमें हम देखेंगे। बाय द वे इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं अभी के लिए कि किस तरह से प्रपोजल राइटिंग मैं करता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर हैव यू वर्कड ऑन सिमिलर प्रोजेक्ट इन द पास्ट, ये बेसिकली क्वेश्चंस हैं जो कि मैनुअली क्लाइंट ने इंटर किए हैं। हाउ सून यू कैन डिलीवर दिस टास्क, कुछ जॉब्स के ऊपर सिर्फ कवर लेटर पूछा गया होता है और कुछ जॉब्स के ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड किए गए होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वाई डू यू थिंक यू आर गुड फिट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट द जॉब। तो यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट अगर कोई अटैच करना चाहते हैं, अगर आप पोर्टफोलियो आपने बनाया हुआ है, कोई प्रेजेंटेशन बनाई हुई है तो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। याद रखें आपको CV यहाँ पर अटैच नहीं करनी, ये अलाउड नहीं है अपर के ऊपर, तो आप अपनी CV अटैच नहीं कर सकते। तो उसके बाद आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी जो प्रपोजल है वो क्लाइंट को सबमिट हो जाएगी। और सबमिट होने के बाद फिर क्लाइंट उसको रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद अगर उसको आपकी प्रपोजल अच्छी लगेगी तो आपको वो सिलेक्ट कर लेगा जॉब के लिए, फर्दर इंटरव्यू के लिए। और एक बात जो मैं आपको एक यहाँ पर छोटी ट्रिक बता दूं कि जब भी आपके पास यहाँ पर मैनुअली ये जो क्वेश्चंस ऐड हुए हैं कवर लेटर के अलावा, अगर आपके पास ऑप्शन शो हो रहे हैं यहाँ पर, तो जब क्लाइंट को ये प्रोजेक्ट प्रपोजल सेंड होगी, यानी प्रपोजल जब क्लाइंट के पास पहुँचेगी तो सबसे नीचे जो ये वाला क्वेश्चन है वो सबसे ऊपर शो हो रहा होगा क्लाइंट को, यानी ये वाला जो कवर लेटर है वो सबसे नीचे शो होगा और जो ये आपके पास मैनुअली इंटर्ड क्वेश्चन है ये सबसे टॉप पे शो होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो सबसे नीचे क्वेश्चन शो हो रहा होता है जो कि फ्रीलांसर को नज़र आ रहा होता है, जब क्लाइंट साइड पे ये अप्लाई होके शो हो रहा होता है तो सबसे ऊपर ये वाला नीचे वाला क्वेश्चन आ रहा होता है। तो इस पर आपने ज़्यादा फोकस करना है, जो ये जो लास्ट क्वेश्चन है कोशिश करें कि इसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, इसको
मतलब जीएस नो और इस तरह से करके इग्नोर कर दे, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस, तो मैं यहाँ पर आंसर कर देता हूँ नो, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। आप इस पर ज़रा डिटेल में लिखें, बिकॉज ये वाला जो एरिया है ये टॉप पे शो होगा, पहले नंबर पे ये शो होगा, फिर उसके बाद ये दूसरे नंबर पे शो होगा, तीसरे नंबर पे ये होगा, फोर्थ नंबर पे ये, फिफ्थ पे ये। तो आपने ज़रा उसको मतलब ये मैनुअल क्वेश्चंस को तरतीब को भी माइंड रखना है कि सबसे पहले आपके क्लाइंट को ये वाला शो हो रहा होगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने कौन कौन सी जॉब्स के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पर आप माय फीड में आएँ और यानी फाइंड वर्क में आएँ, और यहाँ पर आपके पास राइट साइड पे 10 सबमिटेड प्रपोजल्स लिखा हुआ आ रहा है, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली ये प्रपोजल्स वाले एरिया में ले जाएगा, जिसमें आपको दिखाएगा कि आपने कौन कौन सी जॉब्स के ऊपर ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। तो ये सारी लिस्ट आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जॉब्स की सिलेक्शन करते वक्त आप ये बात ज़रा याद रखें कि कोशिश करें कि आप रेलिवेंट जॉब्स के ऊपर अप्लाई करें, जिनके ऊपर आप 100% श्योर हों उन्हीं को चूज़ करें, तो ये ज़्यादा रिटर्न आपको करेंगे मतलब। और दूसरा ये भी देखें कि उनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है या नहीं है। पेमेंट मेथड वेरीफाइड होना भी लाजमी है उन जॉब्स के ऊपर, मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ जिनके ऊपर पेमेंट मेथड वेरीफाइड आ रहा होता है। मगर एक यहाँ पर छोटा सा नोट आपको मैं बता दूँ कि जब भी आप देखें कि पेमेंट मेथड अनवेरीफाइड आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्लाइंट जो है वो उसका पेमेंट मेथड अनवेरीफाइड हो, बिकॉज़ जब क्लाइंट अपना क्रेडिट कार्ड अटैच करता है तो उसको 24 आवर्स लगते हैं वेरीफाई करवाने में। तो हो सकता है उस क्लाइंट ने रिसेंटली लास्ट फ्यू आवर्स में अपने मतलब अपने आप को एज ए क्लाइंट रजिस्टर किया हो, और रजिस्टर करने के बाद उसने अपना क्रेडिट कार्ड अटैच कर दिया हो, मगर उसका जो बैज है ये पेमेंट मेथड वेरीफाइड वाला वो शो ना हो रहा हो। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर देखें तो ये क्लाइंट जो है वो कब मेंबर बना है, ये क्लाइंट आपके पास जुलाई 29 को इस प्लेटफॉर्म का मेंबर बना है। तो जुलाई 29 को अगर मेंबर बना है, तो अगर इसका पेमेंट मेथड अनवेरीफाइड शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्लाइंट हो सकता है कि इसने अपना क्रेडिट कार्ड अटैच कर दिया हो। तो हमेशा जब भी आप देखें कि पेमेंट मेथड अनवेरीफाइड आ रहा है, तो मेंबर सिंस वाली डेट ज़रूर चेक किया करें, और उससे आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि क्या वाकई इस जॉब के ऊपर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सो अगर मेरे से आप पूछेंगे, तो मैं इस जॉब को, अगर ये मेथड अनवेरीफाइड भी अगर इसका आ रहा है, तो मैं इस जॉब के ऊपर ज़रूर अप्लाई करूँगा, क्योंकि ये मेंबर सिंस जो है वो जुलाई 29 का है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।